हेलो एंड वेलकम टू इंडियन यम, दिस इज योर शिल्पा। आज मैं आपके साथ आलू की एक और सिंपल और इजी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैंने बहुत सारे लहसुन और तिल का यूज किया है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। गार्लिक पोटैटो बनाने के लिए मैंने यहाँ आलू को इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। ये दो मीडियम साइज के आलू हैं और अब इन्हें हमें बॉईल करना है। इसके लिए मैंने यहाँ सॉस पैन में पानी लिया है, इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और इसे बॉईल हो जाने देंगे। पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है तो अब इसमें हम आलू ऐड कर देंगे। आठ से दस मिनट के बाद हम इन्हें चेक कर लेंगे। ये देखिए आलू अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। हीट को अब हम टर्न ऑफ कर देंगे और इन्हें पानी में से निकाल लेंगे। अब बॉइल्ड आलू में हम ऐड कर देंगे अराउंड 2 टेबलस्पून ऑफ ग्रेट किया हुआ लहसुन। और 1 टीस्पून ऑफ भुना हुआ जीरा पाउडर। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मैंने आलू को लहसुन और रोस्टेड जीरा पाउडर के साथ अच्छे से कोट कर लिया है। अब इन्हें हम 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद इन्हें फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए एक पैन में अराउंड 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें अराउंड 1 टेबलस्पून ऑफ सफेद तेल ऐड कर देंगे और इसे हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। इसके हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद इसमें हम टोमेटो प्यूरी ऐड कर देंगे। ये टोमेटो प्यूरी अराउंड 1 कप है। नेक्स्ट इसमें ऐड कर देंगे नमक। अब इसे हमें तब तक कुक करना है जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। टमाटर अच्छे से कुक हो चुके हैं और ऑयल भी सेपरेट हो गया है, तो अब इसमें हम कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ऑफ लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर जो कि 1/4 टीस्पून से भी कम है, और 1/4 टीस्पून ऑफ आमचूर पाउडर, और इन्हें कुछ सेकंड्स के लिए कुक कर लेंगे। अब इस मसाले में हम मैरिनेट किए हुए आलू ऐड कर देंगे और इन्हें हमें इस तरह से जेंटली मिक्स कर लेना है। हीट को हमें यहाँ हाई पे रखना है और इन्हें सिर्फ 1 मिनट के लिए कुक करना है। एक मिनट हाई हीट पे कुक कर लेने के बाद ये गार्लिक पोटैटो बनके तैयार हो गए हैं। हीट को हम टर्न ऑफ कर देंगे और इन्हें एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। हमारे चटपटे गार्लिक पोटैटोस बनके रेडी हो गए हैं। इन्हें आप गर्मा गर्म रोटी या फिर पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। सो इफ यू फाइंड टुडेस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।